तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं प्रेशर गैस वेल्डिंग के कॉस्टिंग के बारे में, ठीक है। तो डाया वाइज में आपको बताऊंगा कि दो बार को अगर वो मान लीजिए 16 mm का बार है या 20 mm का बार है, उन दोनों का आप ज्वाइंट करते हो प्रेशर गैस वेल्डिंग से, तो उसका कॉस्टिंग कितना पड़ेगा लेबर के साथ साथ, ठीक है। कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला था कि दो बार को अगर आप लैप करते हो तो आपका कॉस्टिंग कितना पड़ने वाला है। साथ में मैंने ये भी वीडियो डाला था कि दो बार को अगर आप कपलिंग करते हो कपलर के थ्रू तो आपका कॉस्टिंग कितना पड़ेगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपका अगर प्रेशर गैस वेल्डिंग होने वाला है डाया वाइज तो आपका कॉस्टिंग कितना पड़ने वाला है। तब नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आने वाला है उसमें मैं क्या करूंगा, इन तीनों के कंपैरिजन करके एक रेट आपको दिखाऊंगा और आपको पता चलेगा कि कौन सा सबसे सस्ता पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो को आज देख लेते हैं। पहले चीजों को पूरे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, समझने के बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, साथ में इसका एक्सेल शीट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको डाउनलोड कर लेना। साथ में मैं लैपिंग वाला वीडियो और कपलिंग वाला वीडियो का जो कॉस्टिंग निकाला था उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी जाकर देख लेना और उसका भी डेटा शीट जो है एक्सेल का वो आप डाउनलोड कर लेना, आपके लिए सुविधा होगा। मैं एक एक कपलर एक एक लैप एक एक यहाँ पे प्रेशर गैस वेल्डिंग का कॉस्ट निकाल के बताता हूँ, आपके साइड पे जितना हो रहा है आप डाल के डायरेक्ट निकाल दो उसको, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली प्रेशर गैस वेल्डिंग होता क्या है, देखिए फोटो में तो आप देख ही रहे हो, अगर दो बार को हम लोग यहां से प्रेशर गैस वेल्डिंग के थ्रू अगर यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं ना, जैसे आप देखोगे रेल जो रेल की पटरियां होती है ना उन दोनों को जो जोड़ा जाता है वो प्रेशर गैस वेल्डिंग से जोड़ा जाता है। हाँ, आप YouTube पे बहुत सारा वीडियो देख पाओगे प्रेशर गैस वेल्डिंग के, अगर सर्च करना आपको पूरा प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। तो इसको वेल्डिंग करने के बाद जब इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक होता है, मतलब यहाँ पे एक मशीन इसको पकड़ के खींचेगा इस साइड और इधर से इसको इधर खींचेगा ताकि इसको तोड़ के देखा जाए कि जो स्ट्रेंथ इसको चाहिए वो स्ट्रेंथ इसको मिला है कि नहीं, तो देखा जाता है कि ये जहां पे ये प्रेशर गैस वेल्डिंग हुआ है ना ये वहां से नहीं टूटता है, ये हमेशा टूटेगा कहीं से स्टील बार के यहां से कभी यहां से, लेकिन यहां से नहीं टूटेगा, ये इतना ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। तो चलिए आज इसके ही कॉस्टिंग के बारे में जान लेते हैं कि अपने साइड पे अगर हम 16 mm का सरिया का बार को प्रेशर गैस वेल्डिंग करवाएंगे तो कितना कॉस्टिंग पड़ने वाला है लेबर के साथ साथ। तो देख लिए यहाँ पे मैंने डाया बार पकड़ा हुआ है 16 mm का, 20 mm का, 25 mm का, 28 mm, 32, 36, जनरली जिस डाया में हम लोग प्रेशर गैस वेल्डिंग करवाते हैं। और मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ लैप पकड़ा है एक, मतलब मैं एक बार के लिए आपको बता रहा हूँ, 16 बार का सरिया है एक लैप वहां पे आ रहा है तो वहां पे हम लोग को वेल्डिंग कराना पड़ेगा, तो मैं एक कर बता रहा हूँ। हो सकता है आपके साइड पे आपको करवाना हो 25-30 तो आप यहाँ पे 25-30 कर लेना, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, एक्सेल लैप डायरेक्ट आप 25 करोगे तो वो तो डायरेक्ट आंसर ही दे देगा आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ लैप मैंने सबके लिए एक पकड़ा है, मतलब एक एक प्रेशर गैस वेल्डिंग के लिए मैं पकड़ा है यहाँ पे। इसके बाद इसको करवाने के लिए हमारा गैस लगेगा, गैस लगेगा, उस गैस का तो कुछ खर्चा आएगा, तो वो गैस देखा जाता है। अगर हम लोग 16 mm सरिया का अगर हम लोग प्रेशर गैस वेल्डिंग करवाते हैं तो जो गैस का कॉस्टिंग आता है वो 5 रुपया पड़ता है एक प्रेशर गैस वेल्डिंग के लिए। क्या क्या गैस इसमें यूज होता है, तो इसमें बहुत सारा अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ इसका कॉम्बिनेशन हो गया एसिटिलिन का, या हाइड्रोजन के साथ हो गया एसिटिलिन का, या ऑक्सीप्रोपेन भी बोला जाता है वो भी हम लोग इसमें यूज करते हैं। देखा जाता है कि इन दोनों के कॉम्पोजिशन से अलग अलग जगह पे अलग अलग रिजल्ट देखने को मिले हैं, तो मेनली ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कॉम्पोजिशन करके हम लोग का ये गैस वेल्डिंग किया जा सकता है, लेकिन जो जनरल यूज होता है वो हाइड्रोजन प्लस एसिटिलिन होता है और ऑक्सीजन प्लस एसिटिलिन का किया जाता है। तो इस गैस का कॉस्ट अगर 16 mm का अगर सरिया का प्रेशर गैस वेल्डिंग करा रहे हो तो एक बार के लिए आपका पड़ेगा 5 रुपया, ठीक है। सिमिलरली जब 20 mm का सरिया है तो आपका पड़ जाता है 7.5 रुपया, 25 mm का सरिया है तो 11.5 रुपया, 28 mm का बार है तो 17 रुपीज, 32 mm का बार है तो 25.50 रुपया, और 36 mm का बार है तो आपका पड़ेगा 38 रुपया। तो ये हुआ आपका गैस का कॉस्टिंग। अब उस वेल्डिंग को करने के लिए तो हमें मैन पावर चाहिए, प्लस साथ में इक्विपमेंट्स भी चाहिए जिससे हम लोग प्रेशर गैस वेल्डिंग करेंगे, तो उसका कॉस्टिंग भी पड़ता है। अगर आप 16 mm का डाया का बार करवाना चाहते हो प्रेशर गैस वेल्डिंग तो आपका लगभग कॉस्ट पड़ता है 11 रुपया एक बार का, ठीक है। अगर वही 20 mm का बार है तो 16 रुपया, 25 का 25 रुपया, 28 का 35 रुपया, 32 का 52 रुपया, 36 का 77 रुपया। तो ये हो गया गैस का कॉस्ट, ये हो गया लेबर एंड इक्विपमेंट का कॉस्ट, ठीक है। अब एक चीज देखिए, मैंने सबको यहाँ पे ऊपर एक नंबर से डिनोट किया है, नंबर ऑफ लैप को मैंने एल पकड़ा है, एल लग ले लिया था, गैस कॉस्ट को मैंने ए डिनोट किया है, लेबर एंड इक्विपमेंट कॉस्ट को मैंने बी पकड़ा है। अब मेरा देखना है कि 16 mm का बार को अगर एक बार को अगर हम लोग प्रेशर गैस वेल्डिंग करते हैं तो कितना कॉस्ट पड़ रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, गैस का कॉस्ट प्लस लेबर एंड इक्विपमेंट का कॉस्ट, तो ए प्लस बी, वही मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल कॉस्ट पर पीस,
टोटल कॉस्ट पर पीस कितना पड़ेगा, गैस का कॉस्ट को ऐड कर दो प्लस और कौन सा ऐड करना है, लेबर एंड इक्विपमेंट का कॉस्ट। तो ए प्लस बी करके देख लो तो क्या आएगा, 5 + 11 कितना आएगा, 16। तो ये 16 क्या है, ये रुपीज है, ठीक है, ये रुपीज। तो 16 mm का बार, अगर एक बार को आप प्रेशर गैस वेल्डिंग कराते हो तो आपका 16 रुपया कॉस्ट पड़ने वाला है। इस कॉस्ट में आपका 10 से 15% प्लस माइनस का वेरिएशन हो सकता है लोकेशन टू लोकेशन, ठीक है। वही अगर 20 mm का बार है तो आपका पड़ेगा 23.50 रुपए, इन दोनों को जोड़ दो 7.5 रुपया और 16 रुपया, 23.50 रुपए। इस तरह दोनों को सारा को जोड़ जोड़ के आप ये कॉस्ट निकाल सकते हो। जैसे 36 mm का बार है उसको आप प्रेशर गैस वेल्डिंग करवाते हो तो आपका एक बार का प्रेशर गैस वेल्डिंग करने का खर्चा पड़ेगा 115 रुपया, ठीक है। अब देखिए लास्ट में मैंने एक टोटल अमाउंट लिखा है जिसमें ए प्लस बी इंटू एल किया है, ए प्लस बी मैंने ये निकाला था, इंटू एल मतलब ये इसलिए मैंने किया है कि अगर आप चाहते हो यहाँ पे 10 रखो, यहाँ पे 20 रखो, यहाँ पे 30 रखो, मतलब 10 लैब के लिए निकालो, मतलब 16 mm का प्रेशर गैस वेल्डिंग जो करना है वो 10 करना है या 20 करना है, तो वो 10-20 यहाँ पे आप लिख लेना, जो पर पीस का कॉस्ट निकला है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो वही मैंने ए प्लस बी मतलब ये वाला पार्ट इंटू एल मतलब ये वाला पार्ट, ये करके निकाला है। तो यहां तो मैंने मेरा एक ही है तो सेमी वाला प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम प्रेशर गैस वेल्डिंग का कॉस्ट डिराइव आउट करते हैं अपने साइट पे या जो प्रैक्टिकल साइट पे लोग काम करते हैं उस वक्त। तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो इसका एक्सेल शीट अगर आपको चाहिए जो कि ऑटोमेटिक आपको कंप्यूट करके दे दे सारा रिजल्ट, तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे उसका आपको एक्सेल शीट मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। साथ में लैपिंग वाला वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किसमें ज्यादा खर्चा आता है। साथ में मेरे कपलर वाले वीडियो को भी देख लेना, उसमें मैंने बताया था कि डिफरेंट डाई बार के लिए कपलर के लिए कितना खर्चा आता है, तो आपको पता चल पाएगा, एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि किसमें सबसे सस्ता पड़ता है और कौन सा सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है आपके लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो में यही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, आप सब्सक्राइब मत कीजिए चैनल को, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बेनिफिट के लिए चाहते हो और दूसरे के बेनिफिट के लिए चाहते हो तो शेयर कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है, बीबीएस का हो गया, आईएएस बोर्ड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कॉन्क्रीट वॉल्यूम सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोज है, आप जाके इन सब वीडियोज को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं।